हाय फ्रेंड्स, आज कुछ राजस्थानी फूड ट्राई करने जा रहा हूँ मैं। दाल बाटी हमारे मालवा में बहुत खाया जाता है, एमपी में भी बहुत खाया जाता है, और बहुत उसके प्रोसेस अलग अलग तरीके के हैं। जो मेरा रेसिपी है मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। ये नॉर्मल आटा है, नियर अबाउट से 4 कप आटा जो आप, या 4 कटोरी का मेजरमेंट्स आपको एक अंदाज़ा लगा दे सकते, और लगभग आधी कटोरी के बेसन, ठीक, और ऑलमोस्ट 2 चम्मच के आसपास सूजी। अगर आपका आटा मोटा और दरदरा है फिर हमें सूजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप, हम लोग जो नॉर्मल आटा मैंने यूज़ किया तो उसमें सूजी प्लस आधी कटोरी के आसपास देसी घी, बेकिंग पाउडर ऑलमोस्ट 1/2 चम्मच, नमक थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। एक चीज़ मैं इसमें यूज़ करता हूँ जो लोग कभी यूज़ करते हैं नहीं करते, दैट इज़ अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अब हमारा जो फूड हैबिट्स हैं बड़ी चेंज हो चुकी हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी यूज़ करता हूँ। आपको इसको लेना है और इसको अपने घी के साथ लेकर के अच्छे से, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आप गूंद लो, ठीक है, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए दो। डो हमारा बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जैसे हम आटे का पेड़ा बनाते हैं वैसे हमने बनाना है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस जो है, सी फ्रेंड्स, आटा गूंद लिया है हमने, कुछ रोटी जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल पेड़े वैसे पेड़े हमने बना लिए हैं, ठीक। उस पेड़े को बनाने के बाद ऐसे हमने रोल कर लिया और हल्का सा बीच में से हमने प्रेस कर दिया, ताकि हम जो बेकिंग करेंगे, पहले तो हम इसको कभी पहले अपने टाइम में इसको कंडे में और उपलों में हम लोग इसको बेक करते थे, बट अब तो ओवंस का ट्रेंड आ गया है, अलग तरीका, बहुत स्टाइल बदल गया है। प्लस आप इसमें हल्का सा बीच में से प्रेस कर दोगे, कभी बीच में कच्चा नहीं रहेगा, साइड्स अच्छी आएंगी। इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया। सी फ्रेंड्स, हल्का सा नीचे कढ़ाई में अपनी परात के अंदर, सॉरी, तेल लगा लिया ताकि वो चिपके नहीं, और इस तरीके से मैंने डो से अपनी बाटियाँ तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स, जो अब मैंने ये बाटियाँ बनाई थी, ये मेरे पास मेरा एक छोटा सा ओटीजी है, बहुत काम का ओटीजी है। मैं इससे बहुत सारे आइटम्स बनाता हूँ। सी, मैंने इसमें वो बाटियाँ लगा दी हैं और मैं इसमें 10 मिनट के आसपास डाल दूंगा, डिपेंड्स कि आपके टेम्परेचर कितना आपने कर रखा है, और मेरी बाटियाँ बेक हो जाएंगी। मैं अब इसका बेक होने का वेट करूँगा। फ्रेंड्स, मेरी लगभग 7 मिनट हो गए हैं, देखो आप, बहुत अच्छा, वाओ, कलर आ चुका है। अब इसको मैं निकाल दूँगा, ये मेरी जो पूरा जो चल रही है बाटी, इसको मैं निकाल लूँगा। इस तरीके से मैं सारी बाटियाँ अपनी बेक कर लूँगा पहले एक बार। सी फ्रेंड्स, मेरी बाटियाँ यहाँ से रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको देसी घी के अंदर मुझे इसको फ्राई करना, हल्का सा मुझे इसको साइडों से थोड़ा सा प्रेस करके तोड़ लेना, ताकि क्या होगा, इसमें अच्छी तरह बेकिंग हो जाए, ऐसे क्रैक्स हल्के से आ जाएंगे तो ये अंदर तक बिल्कुल फ्राई हो जाएगी, ठीक है। देसी घी के अंदर मैंने ऐसे डाल दिया, लेट इट गेट फ्राइड। वाओ, क्या खुशबू, देसी घी की खुशबू अलग ही आती है। सी फ्रेंड्स, माय बाटीज आर रेडी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इसको देसी घी से निकाल लेना है, आपने अपनी सर्विंग बाउल जो भी जिसमें आपने सर्व करना है उसमें आपने डाल देना है। सी, माय बाटीज गॉट रेडी, मेरा बाटी तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब हम दाल। फ्रेंड्स, अगला स्टेप हमारी दाल, इसके अंदर तुअर की दाल यूज होती है। ये मैंने तुअर की दाल ले ली है, हल्का सा मैंने इसमें नमक और हल्का सा जीरा डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजी काम, आपने इसे बॉईल कर लेना है। जब तक ये बॉईल होके अभी तैयार है, अब हम इसमें इंग्रेडिएंट देख लें जो हमें तड़के के लिए चाहिए। प्याज, एक प्याज है, एक टमाटर है, लहसुन, अदरक, मिर्ची, थोड़ी सी आप और
मिर्ची, जीरा ठीक, और राई, धनिया और हींग, नमक और मिर्ची तो एज पर टेस्ट है ही है। अब इसमें आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप अपना नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। आपने पैन गरम करना है सबसे पहले, आपका तेल गरम हो गया अच्छे से, ओके, फिर गोजा जीरा और मिर्ची, स्टार्टेड क्रैकलिंग, और इसमें हमने मैंने रफली चॉप गार्लिक और जिंजर लिया है। गार्लिक इसमें अच्छा यूज़ होता है, एज हमारा पंजाबीज में ट्रेंड है गार्लिक अदरक तो हर चीज़ में अच्छा यूज़ करते हैं हम लोग। ये हो गया, जैसे इसको बस ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, जैसे अभी हल्का सा हो जाएगा थोड़ी खुशबू आ गई। अब मैंने यूज़ करना है आपने ऑलमोस्ट एक चुटकी हींग। हींग डालते ही तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक मिनट जाना कभी हो गया, फिर ये एक ऑलमोस्ट हो गया गार्लिक मेरा, मिर्ची एज पर योर टेस्ट, हल्दी, और जैसे ही मिर्ची और हल्दी गई बस उसी टाइम आपका जाएगा प्याज। सी हमारे प्याज कुछ कलर आ गया है। अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है टमाटर, और जैसे हमने टमाटर डालना है और नमक, नमक जैसे दाल में भी था तो आप अपना नमक का प्रोपोर्शन से अपने हिसाब से ज़रूर चेक कर लें, जैसा आप लेते हैं कि नमक हल्का, बाद में कोशिश रखें कि नमक आप कम से कम यूज़ करें, क्योंकि नमक तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसी बस इसको हल्का सा कलर देना, और फिर हमारी हरी मिर्ची। सी फ्रेंड्स तड़का रेडी हो चुका है, सब कुछ टमाटर थोड़े मैशी हो चुके हैं, सब रेडी है। अब यहाँ पे हमने अपनी दाल के अंदर इसको तड़का लगाना है। दाल मेरी बॉईल हो गई अच्छे से, ठीक है, और अब हम सारे फ्लेवर्स जो हमारे तड़के के हैं दाल में आ गए। सी फ्रेंड्स आप दाल इज रेडी, ब्यूटीफुल कलर। दाल में बस हल्का सा कोरिएंडर से हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे, और इट्स बीन डन। नाउ भरता टाइम। सी फ्रेंड्स अब भरता हमने ले लिया, नॉर्मल भरता लेके भून के अच्छे से चेक करके, और उसको मैंने काट लिया और रख दिया। ऑलमोस्ट दो प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, तीन टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन कटा हुआ ठीक, जीरा और कश्मीरी मिर्च लाल वाली, क्योंकि बहुत अच्छा भरते में कलर देते हैं, और इसके सिवा धनिया, नमक, मिर्ची और धनिया तो ऑप्शन हाई है। नेक्स्ट स्टेप, पैन गरम हो गया है हमारा, पहले तो हमारा इसमें जाएगा तेल, घी, वॉट एवर यू लाइक, पहले हल्का सा गरम करना है। जैसे हमारा थोड़ा सा गरम हो जाएगा फिर गोजा जीरा, लेट इट क्रैक, और गार्लिक, लगभग चार गार्लिक के पीसेस किए हुए हैं, जिंजर रफली चॉप्ड, इसमें भरते में थोड़ा अदरक लहसुन ज़्यादा ही जाता है, चीज़ को हल्का सा कलर आ जाए फिर विल ऐड प्याज। इसके बाद हमारा इसमें प्याज चला जाएगा, इसके बाद हमारा टमाटर इसमें, जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और नमक। अब हमारा भरता इसमें डाल के हमने भून लेना है।
सी फ्रेंड्स, मैं दाल बाटी।